गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 24 फरवरी 2021 से डेली करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आप सबके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलें, हम चलते हैं अपने शॉर्ट नोट मतलब डेली करंट अफेयर की क्लास में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 23 फरवरी को प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किस आईआईटी में किया है? तो ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, तो आप लोग देखें और बताएँ। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का उद्घाटन किया है। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में। तो खड़गपुर के बारे में देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना इसकी 1951 में हुई। इसके अध्यक्ष हैं संजीव गोयनका और निदेशक इसके हैं वीरेंद्र कुमार तिवारी जी। स्थान है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में। ओके, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं एक्सटर्नल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी को वस्तुतः आईआईटी खड़गपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट इस मेडिकल साइंस भी खोला है, क्योंकि इसमें आईआईटी परीक्षा पढ़ाई होती थी, अब यहाँ मेडिकल साइंस की भी पढ़ाई होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में रिसर्च एवं केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समर्थन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा स्थापित सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल भी बनाया जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने अग्नि सुरक्षा परीक्षण के लिए DRDO कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है? एक बार फिर से देख लें क्वेश्चन, अग्नि सुरक्षा परीक्षण के लिए DRDO कौशल केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसमें ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा वो आप लोग देख के बताएंगे। तो आप लोग देख के बताएं, तो हमारा इसमें क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, उस आंसर नंबर हो जाएगा 2, राजनाथ सिंह द्वारा अग्नि सुरक्षा परीक्षण DRDO कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो देख लेते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO के बारे में है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। संस्थापक हैं अविनाश चंद्र, इसका मुख्यालय जो है वो DRDO भवन नई दिल्ली में है। कहाँ है? DRDO भवन नई दिल्ली में है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के पिलखुबा के वर्चुअल मोड के माध्यम से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। अपनी तरह के पहली सुविधा दिल्ली DRDO प्रयोगशाला फायर सेंटर फॉर फायर एप्लीकेशन एवं एनवायरमेंट सेफ्टी द्वारा बनाई गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में लार्सन एंड ट्रूब्रो निम्न में से किसके लिए 100K9 वज्र हविंतजर की डिलीवरी की है? लार्सन एंड ट्रूब्रो निम्न में से किसके लिए 100K9 वज्र हविंतजर की डिलीवरी की है? भारतीय सेना, CRPF, भारतीय तटरक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा ये आप लोग देख के बताएं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? भारतीय सेना के लिए ये हमारा हविंतजर K100K9 बनाया गया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो भारतीय सेना के बारे में देखते हैं, भारतीय सेना 1 अप्रैल 1895 इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली है और सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। कमांडर इन चीफ तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होते हैं और CDS हमारे कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी। थलसेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद रनवाड़े। ठीक है, ये यहाँ के थलसेना अध्यक्ष हैं। तो देख लेते हैं लार्सन एंड ट्रूब्रो के बारे में। लार्सन ट्रूब्रो जो है ये एक संस्था है जिसने बनाया है हमारा 100K9। तो ये है LNTD CEO एंड एन एस एन सुब्रमण्यम हैं इसके। अब LNT स्थापित 7 फरवरी 1938 में हुई थी और LNTD मुख्यालय मुंबई है। LNTD के अध्यक्ष कौन है? अनिल मणिभाई नाइक जी उसके अध्यक्ष हैं। तो चलते हैं देखते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं, प्रमुख सेना जनरल मनोज नरवाने ने गुजरात के हाजीरा में वक्स वरंद सिस्टम कॉम्प्लेक्स में लार्सन एंड ट्रूब्रो LT द्वारा निर्मित 100K9 वज्र ट्रक एवं स्वचालित होतविंजर की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। LNT ने 2017 में तय किए गए अनुबंध के तहत सभी हविंतजर डिलीवरी तय समय से पहले पूरी कर ली थी। K9
K9 वज्र कार्यक्रम में संबंध इंजीनियरिंग सहायता पैकेज के लिए 100 हवेंतजर की डिलीवरी शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किसने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के दो सफलपूर्वक परीक्षण किए हैं, DRDO, इसरो, शारी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, DRDO ने ये परीक्षण सफल परीक्षण किया है। कौन सा? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर परीक्षण किया है। तो देखते हैं, चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मार्शल के दो सफल परीक्षण किए हैं। DRDO ने ओडिशा तट के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर के स्टैटिक वर्टिकल लॉन्चर किया है। परीक्षण लॉन्च के दौरान उड़ान डेटा एवं वाहन के समर्थन मापदंडों को निगरानी की गई है, जिसमें उड़ान डाटा के उपयोग किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की राजनीतिक जीवनी मावेरिक मसीहा किसने लॉन्च की है? अमित शाह, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे वेंकैया नायडू जी ने ये लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में, वेंकैया नायडू ने जिन लॉन्च किया है तो देखते हैं इसके बारे में। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एमटी रामाराव के वरिष्ठ पत्रकार रमेश कुंडाल द्वारा लिखित है MTR की वैकल्पिक राजनीति के शीर्ष अग्रदूतों के स्थान दिया गया है। राजनीति में उनके प्रवेश और क्षेत्रीय पार्टी के दौरान के तैरने के लगभग 9 महीनों के भीतर नाटकीय सफलता ने राष्ट्रीय राजनीति का एक नई दिशा दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 कितने वर्षों के बाद मंदिर परिसर में शुरू हुआ है? 40 साल बाद, 44 साल बाद, 48 साल बाद या 50 साल बाद? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है जो ये 44 साल बाद दोबारा शुरू हुआ है, मंदिर परिसर के अंदर ही नृत्य शुरू किया जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं इसके बारे में है। 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 हाल ही में मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर शनिवार को शुरू हुआ है, जो अपने प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। विरासत में पर्यटन और बढ़ावा देने के लिए परिसर में 46 साल बाद नृत्य महोत्सव शुरू किया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, अंडमान निकोबार है या गोवा है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा ये आप लोग देख के बताएंगे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में, चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ के प्रशासक जो हैं बीपी सिंह बदनौर हैं। कौन से हैं? बीपी सिंह बदनौर हैं। लोकसभा में सीट एक है। ओके, और यहाँ ये चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में। चंडीगढ़ भारत का पहला राज्य या केंद्रशासित प्रदेश बन गया है जिसने व्यक्ति को कार्बन फुटप्रिंट प्रदान करने के लिए कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सभी के द्वारा पहुंचा जा सकता है, लेकिन चंडीगढ़ निवासियों के लिए विशिष्ट विकल्प है। ओके, ये एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर फ्यूचर के माध्यम से दिया जाएगा आप लोगों को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रगान बजाया है? तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, तमिलनाडु। तो किसने बजाया है वो आप लोग देख के बताएंगे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड ने पहली बार अपनी विधानसभा में राष्ट्रगान बजाया है। ओके, राष्ट्रगान बजाया है। तो देख लेते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की राजधानी जो है वो कोहिमा है। यहाँ के राज्यपाल हैं आर एन रवि हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन है? नेफ्यू रियो हैं, और यहाँ की लोकसभा सीट एक है, राज्यसभा सीट एक है, विधानसभा में सीटें यहाँ 60 हैं, और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान जो है एन टाकी है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है। देख लेते हैं इसके बारे में, नागालैंड राज्य का दर्जा मिलने के लगभग 60 साल बाद फरवरी 2021 में पहली बार राष्ट्रगान को इसके विधान
विधानसभा के अंदर बजाया गया था। दिसंबर 1963 में पहली बार नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के बाद विधानसभा में नागा कानूनीवादी कर रविंद्रनाथ टैगोर जी जनगणमन के गौरवशाली श्रोता बन जो सदन में राज्यपाल एन राव रवि का उद्घाटन संबोधित किया है। संविधान में कुछ नहीं है जो राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने कागज़ रहित बजट जारी किया है? ये हाल ही में जारी हुआ है 2-3 दिनों के अंदर, तो आप लोग बताएंगे किसमें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये कागज़ रहित बजट लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ की लोकसभा सीटें 80 हैं और यहाँ की राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा में सीटें यहाँ हैं 404 और यहाँ की विधान परिषद में 100 सीटें हैं। यहाँ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा भारतीय राज्य बन गया है जिसने कागज रहित बजट को रखा है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस मोड में 2020-21 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। राज्य विधानमंडल के राज्यों को आईपैड के साथ प्रदान किया गया है ताकि बजट पर प्रकाश डाला जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट नाम के उत्तर प्रदेश के बजट ऐप पर बजट दस्तावेज भी उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, ये अपन बजट आप लोग ने अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोक कला उत्सव 2021 इन दिनों कहाँ मनाया जा रहा है? लोक कला उत्सव 2021 इन दिनों कहाँ मनाया जा रहा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल में ये लोक कला उत्सव इन दिनों मनाया जा रहा है। तो देख लेते हैं केरल के बारे में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। लोकसभा सीटें यहाँ 20 हैं, राज्यसभा सीटें 9 हैं और यहाँ की विधानसभा सीटें 140। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं अन्नामुडाई, सोला, एर्नाकुलम, मडिकट्टनम, पावावदुनम, पेरियार एवं साइलेंट वैली। ओके, चलते हैं देखते हैं इसके बारे में। केरल पर्यटन उत्सव 2021 नाम का वार्षिक लोक कला उत्सव मेजबानी कर रहा है। यह उत्सव 2020-21 में फरवरी में शुरू हुआ, 7 दिनों तक यह लोक कला परंपरा लोक आकर्षण कला रूपों में या कर्मकांडों में संबंधित है। त्यौहारों में 13वें संस्करण के कई कलाकारों और राज्य विरासत में संस्कृति और विधानसभा में दिए जा रहे हैं। पूरे राज्य में 30 स्थानों पर इस उत्सव का आयोजन किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नौसेना के साथ किस देश ने अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया है? इजराइल, इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताएं आप लोग कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें इंडोनेशिया हमारा सही हो जाएगा। ओके, इंडोनेशिया सही हो जाएगा। पैसेक्स अभ्यास अरब सागर में इंडोनेशिया कर रहा है भारत के साथ में। तो देखते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जाको विडोडो और यहाँ के किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के बीच में इसकी स्थिति है। चलते हैं देखते हैं इसके बारे में। तो भारतीय नौसेना इंडोनेशियाई नौसेनाओं के 18 फरवरी 2021 में अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास एक्सरसाइज का संचालन किया गया है। इन दोनों देशों के नौसेना के बीच सैन्य अभ्यास उद्देश्यों परिचालन और अंतर में उसके बीच समग्र सहयोग को बढ़ाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसवीं एंट्रियाटिक पर्ल बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जा रही है? तो है मोंटेनेग्रो, पोलैंड, कनाडा, मोरक्को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा एक, मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो में 30वीं एंट्रियाटिक पर्ल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। 30वीं एंट्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट मोंटेनेग्रो में आयोजित की जा रही है। मोंटेनेग्रो के बुढ़ावा में 30वें एंट्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट भारतीय मुक्केबाज अपना शानदार प्रदर्शन जारी करेंगे। मोंटेनेग्रो में लगातार आ रही रिपोर्टों के अनुसार भारतीयों ने अंतिम दिनों में 2 स्वर्ण और 2 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ रंगों की पुष्टि की है। महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर एक है उत्तराखंड, देहरादून, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। कौन सा है? उत्तराखंड में देहरादून। कौन सा है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंदर देहरादून जो है वो महिलाओं को मालिकाना हक प्रदान करेगा, महिलाओं की बराबरी हकदारी होगी। तो देख लेते हैं उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून। यहाँ के सीएम कौन है?
देवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य जी यहाँ की गवर्नर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन एक है 24 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी और 21 फरवरी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। 24 फरवरी को हमारा सीमा उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में भारत द हीरोज ऑफ टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें देख लेते हैं, देवीर सिंह भंडारी, राजकुमार सिंह, विजेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो आप लोग देख के बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही है ऑप्शन नंबर एक, देवीर सिंह भंडारी। देवीर सिंह भंडारी ने भारत द हीरोज ऑफ टुडे नामक पुस्तक का विमोचन किया है, मतलब पुस्तक इन्होंने लिखी है। किसने? देवीर सिंह भंडारी जी ने लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस। आप लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और उनसे कहें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।